राजनांदगांव व नगर निगम की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्षद दल ने शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से शहर के व्याप्त समस्या दुरुस्त करने, कर्मचारी नहीं मिलने का हवाला देते हुए आंदोलन को चेतावनी दी है। राजनांदगांव शहर में व्याप्त बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कर्मचारियों की कमी बताकर समस्याओं का समय पर समाधान नहीं कर रहे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस पार्षद दल ने शहर की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला है और प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद कर्मचारियों की कमी की बात करते हुए विभिन्न मूलभूत कार्यों में बाधा आने का आरोप लगाया है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्षद दल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि नगर निगम के 51 वार्डों में बोरिंग रिपेयरिंग, सेप्टिक टैंक सफाई कार्य, मृत मवेशी निष्पादन और शहर की चरमराती सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने कर्मचारियों का अभाव है। बिजली गैंग उपलब्ध नहीं होने से शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हो पा रही, शहर के गार्डन का रख रखाव नहीं हो पा रहा है। लोक कर्म के कर्मचारियों को हटाने के लिए कारण शहर में चल रहे निर्माण कार्य ठप हो रहे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि निगम के नियमित कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और ठेके में कार्यरत कर्मचारियों को हटाया गया है, उनको वापस कार्य पर लिया जाए। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही कर्मचारियों की कटौती की जा रही है, पार्षदों को वार्डों में काम करने कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पा रहे। वहीं उन्होंने कहा कि सफाई ठेके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को वहां से हटाकर कलेक्ट्रेट भेजा जा रहा है। नई सत्ता सरकार के आते ही ना ही सफाई व्यवस्था पे, ना ही जल पे, ना ही मूलभूत सुविधाओं पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि उसमें कटौती कर दी जा रही है। पार्षद साथी लगातार परेशान हैं कर्मचारियों की कटौती होने से। मृत मवेशी के निष्पादन के काम नहीं हो पा रहा है, लाइट के लिए टावर लोडर जैसे चीज़ों को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है, चैन माउंटेन जैसे चीज़ों के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा है और मूलभूत सुविधा जैसे कि हमारा जल पानी सफाई है इसके लिए कर्मचारी नहीं है हमारे पास, उनको पृथक कर दिया गया है। उद्यान और वाटिका को मेंटेन करने के लिए कोई प्लान नहीं है और लगातार पार्षदों की मांग के कारण, मांग के बाद भी उनको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी के तहत लगातार मांग करते हुए बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो सारे पार्षद साथी हमारे वहां पे जाके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा है अगर मूलभूत सुविधा एक हफ्ते के अंदर सुधारा नहीं जाएगा तो आंदोलन के लिए बाध्य। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।